अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि 12,000 का जो आपने रजिस्टर करवाया है वो कैसे चेक करना है इसास इमरजेंसी प्रोग्राम में। तो फर्स्ट दोस्तों आपने क्या करना है कि आपका रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने गूगल में, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और आप ये कंप्यूटर से भी कर सकते हो। तो मैं आज आप दोस्तों को कंप्यूटर से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ आपने क्या लिखना है, ई एच एस डबल ए एस एसास डॉट नादरा एन ए डी आर ए नादरा डॉट गवट जी ओ वी डॉट पी के, ये आपने गूगल में सर्च कर लेना है और यहाँ आपने इंटर लगा देना है। जो ही आप इंटर लगा लोगे तो दोस्तों ये देख सकती हो एक वेबसाइट आप दोस्तों के सामने ओपन हो जाएगी। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो ओपन हो चुकी है, इसास नादरा गवट पी के। इस पे आप चेक कर सकते हो कि आपका अप्लाई हुआ है या नहीं और लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। इसकी लास्ट डेट है प्यारे दोस्तों 15 अप्रैल। यहाँ जिस दोस्तों ने रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी वो इधर आके यहाँ उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड लगाना है और ये तस्वीर में दिया गया एक कैप्चर कोड आपको मिल रहा है। ये कैप्चर कोड आपने YKC कैपिटल बड़े लिख रखने हैं आपने और ये आपने लगा लेना है। यहाँ आप देख सकते हो अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर फराम करके अपनी अहलियत ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल रजिस्टर्ड नहीं है तो अपनी अहलियत की तस्दीक करके ऑनलाइन तस्दीक करें। मजीद मालूमात के लिए बराए करम जैल में दिए गए सवाल जवाब पूछे गए। मैं इस प्रोग्राम की अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ, क्या आप अपने वालिद वालदा या शरीक हयात के रजिस्टर की तस्दीक कर सकते हो। वेबसाइट के जरिए आप रजिस्टर्ड या इस तरीका रकम की मुंतकिल की जाएगी। क्या खानदान के सारे अफराद राज हिस्सा ले सकते हैं या सर्विस 8171 पर SMS भेजने का कितना बैलेंस कटेगा, तकरीबन 2.5 रुपये कटेगा। और क्या खानदान के सारे अफराद, खानदान का सिर्फ एक ही अफराद ये रकम हासिल कर सकता है। रकम कब मुंतकिल की जाएगी, तकरीबन 1, 2, 3, 4 दिन में रकम मुंतकिल हो जाएगी। हाँ, वेबसाइट के जरिए आप रजिस्टर करवा सकते हो। क्या मैं अपने वालिद या वालदा शरीक हयात के रजिस्टर की तस्दीक कर सकता हूँ, कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन एक बंदा, एक खानदान में से एक ही बंदा रजिस्टर कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ आपने कोई भी, मैं यहाँ कोई भी आईडी कार्ड नंबर देता हूँ और यहाँ आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ 3302 3530 787। ठीक है दोस्तों, तो ये कैपिटल में आपने देना है यहाँ वाई, इसके बाद यहाँ के, इसके बाद यहाँ सी और आपने यहाँ तस्दीक पे क्लिक कर देना है। जो ही आप तस्दीक पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये आपको देख सकते हो शनाख्ती कार्ड नंबर मांग रहा है मोबाइल ऑपरेटर। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर देना है कि जो मोबीलिंक का है, अगर यू फोन का है, टेलीनार का है, वारिद का है, जोंग का है। तो मैं यहाँ कोई भी नंबर दे देता हूँ मोबीलिंक का। तो यहाँ आपने मोबाइल नंबर दे देना है, तो ये बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ मैं दे देता हूँ 0308 87 44 240। इसके बाद तस्वीर में दिया गया कोड आपने फिर देना है, यहाँ आपने 6 लगा देना है, 6 बाद फिर आपने ई लिखना है, इसके बाद आपने यहाँ 4 लिखना है और फिर यहाँ आपने तस्दीक कर देनी है। जो ये आप तस्दीक करोगे तो ये इसास इमरजेंसी प्रोग्राम की दरखास्त बराए करम यकीनी बनाएं कि आपकी तमाम जाती तफसीलात दुरुस्त है, हो सकते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, पैसा और यहाँ पेशा मुंतखब करें। जो आपका पेशा है वो यहाँ कर सकते हो, डाकिया, दुकानदार, दर्जी, माहीगीर, कलमी, चपरासी, क्लर्क, कोई भी जो पेशा है आपका, नाइस कारीगर, वो यहाँ आप मुंतखब कर सकते हो, सिपाही या चपरासी, कुल्फी वाला या मिस्त्री या लोहार या माहीगीर या दर्जी या दुकानदार, डाकिया, नर्स, कारीगर। तो मैं यहाँ जस्ट कारीगर डाल देता हूँ, सॉरी नर्स नहीं, कारीगर, चल दीगर डाल देता हूँ।
इसके बाद यहाँ आपने मैं तस्दीक करता या करती हूँ, तो यहाँ आपने टिक लगा देनी है। टिक लगा देने के बाद यहाँ आपने जमा पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ आपने सिर्फ तस्दीक के लिए दोबारा क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करोगे तो दोस्तों ये आपका इमरजेंसी कैश में आपका यहाँ आपने दोबारा यहाँ यही आईडी कार्ड नंबर डालना है और यहाँ आपने ये कोड डाल देना है UTY और यहाँ आपने तस्दीक कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करवा चुके हैं। आपकी दरखास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के जरिए आगाह किया जाएगा। तो इस तरीके आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, इसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और चेक कर सकते हो। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।